साथियों नमस्कार। लो जी भाई, आज हम हमारे राजस्थान सीकर की न्यूज आपको सुनाने जा रहे हैं। चाहे आप कहीं पर भी हैं, राजस्थानी वाले खास तौर से वो भी सुने और राजस्थान के बाहर के भी हैं वो भी सुने। हालांकि मैंने बहुत जगह बताया कि राजस्थान में ऐसी घटना बहुत कम होती है, होती नहीं है, लेकिन भाई कोई पता नहीं लगता कौन हरामी आदमी कहाँ पे उनका दिमाग चल जाता है। कहाँ वो आपने देखा होगा यार, आए दिन ऐसे क्राइम होते रहते हैं। बाप ने बेटी को मारा, बेटी ने बाप को मारा, भाई ने भाई को मारा, वगैरह वगैरह ऐसे होते हैं। जब घर में परिवार में एक खून के एक ब्लड की अगर इस तरह से करने लग जाते हैं तो भाई राजस्थान क्या पंजाब का बराबर है। यहाँ पे बता दूं, एक बंदे ने जो 15 साल से दुबई रह रहा था, उसने इतना सातिर दिमाग लगा के 50 लोगों से 25 लाख रुपए ठग लिए दुबई भेजने के नाम से। जी हाँ, पूरी स्टोरी हम बताएंगे। उनको पकड़ लिया गया है बॉम्बे से, हमारी पुलिस की सतर्कता की वजह से पकड़ा गया वो। डिटेल से बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते। सीकर का है नरेश कुमार नायक। जी हाँ, ये कोई ज्यादा दूर नहीं है, लोकल सीकर में रहता। 15 साल से ये बंदा दुबई रह रहा था। कहाँ रह रहा था? दुबई में। ठीक है, 15 साल से रह रहा होता, 20-30-40 हजार रुपए कमा रहा होगा। लॉकडाउन में ऐसा प्रॉब्लम आई कि बंदा बेरोजगार हो जाता है, घर आके बैठ जाता है। तो बेरोजगार होने का यह तो मतलब नहीं कि लोगों को ठगी का शिकार बनाते रहे। तो उसने एक प्लान बनाया, गेम प्लान, बड़ा वाला जो पंजाब में अक्सर लोग बनाते रहते हैं। यहां से थोड़ा अपने घर से दूर जो मेन मार्केट हमारे सीकर में, वहां पे उसने ऑफिस खोली और ऑफिस खोल के उसमें काफी सारे, एक्चुअल में क्या होता है कि बंदा बाहर रहता है तो नेटवर्क उसका बन ही जाता है, तो किसी न किसी कोई माध्यम से कुछ कर कर आके इधर उधर से करके 2000 दराम में सैलरी में जॉब लगवाने की गारंटी उन्होंने ले ली। कम से कम 50 बंदों से 70 हजार रुपए में डील हो गई थी। जी हाँ, ये पिछला मामला है 2020 का। 2020 की हम बात कर रहे हैं तो काफी सारे लोग हैं बेचारे, विश्वास कर लेते हैं यार, चलो सीकर का लोकली तो है, कहाँ जाएगा। 70 हजार रुपए सभी लोगों ने मिलके उनको दे दिए और उनका वहां पड़ोस में एक गली है जहां मेडिकल होते हैं बाहर से, विदेश से रिलेटेड, वहां पे सबके मेडिकल करवाती है। जी हाँ, और उनको सबको बोल दिया भाई जल्दी आपको मैं वीजा टिकट प्रोवाइड करवा दूंगा, 2000 आपको दराम, आपको पता आजकल विजिट में जाते हैं तो 2000 दराम की जरूरत पड़ती है, आपको जयपुर एयरपोर्ट पे दे दूंगा मैं। जी हाँ, इस तरह से काफी सारे लोगों से पैसे लेके आराम से बैठ गया। फिर ये बंदा, अब उनको बोल दिया कि ठीक है आपको मैं इंश्योरेंस, डमी टिकट, आपका कोरोना रिपोर्ट, आपको 2000 दराम पैसे वगैरह सब मैं देके आपको जयपुर में मिलूंगा एयरपोर्ट के अंदर। जी हाँ, तो एयरपोर्ट से ये प्लानिंग करके पैसे ले लिया, पासपोर्ट उसके पास में थे पूरे के पूरे। और ये बंदा बता दूं, 2 नवंबर 2020 को जयपुर एयरपोर्ट पे लोग तो पहुंचे, उससे पहले ये बंदा दुबई भाग गया था विजिट वीजा से। जी हाँ, विजिट वीजा लेके ये बंदा दुबई चला गया था, पासपोर्ट इसके पास में थे, पूरा का पूरा पैसा इसके पास था। काफी सारे लड़के उन्होंने फोन किए, फोन नहीं उठाए, फिर काफी सारे लड़के, आपको पता काफी लड़के हो गए थे, कुछ लड़के जयपुर एयरपोर्ट पे पहुंच गए, ये बंदा वहां उनको नहीं मिला, ये पहुंच गया दुबई। अब आपको पता है 50 लोगों का मैटर इतना बड़ा हो जाता है तो आपको पता है पुलिस के ऊपर दबाव बनता है। सभी लोगों ने फिर एक जगह एक साथ हो जाते हैं, काफी सारे लड़के एक साथ थे, कुछ तो मुस्लिम परिवार के बंदे थे जो काका मौसा ताऊ वगैरह सब एक साथ हो गए कि 2000 दराम मिल रहे हैं। तो आपको पता है फिर सब लोग दुबई जाने बेरोजगार बैठे कोरोना के चक्कर में, सबने 15 एक ही परिवार के 15 से 20 लोगों ने इसको पैसे दे दिए 70 हजार के हिसाब से। फिर उनको पता लगा बंदा बाहर भाग गया तो उन्होंने फिर मुकदमा दर्ज करवाया। तो अभी लेटेस्ट में मैं बता दूं, 1 फरवरी को एसपी की रिपोर्ट के आधार पे एक इसका लुकआउट होता है, जो बड़े कांड में ऐसे पुलिस की तरफ से लुकआउट जारी किया जाता है एयरपोर्ट के अंदर, जिसमें उसकी लोकेशन पूरी इंडिया में चली जाती है, उसका फोटो वगैरह, उसका कुछ एड्रेस वगैरह। तो जैसे वो किसी भी एयरपोर्ट पे आता है तो उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी को उसके ऑनलाइन होता है वो पूरा सिस्टम, तो उसमें मैच होते ही वो अलग उसको डिटेन करके बिठा लेते हैं, फिर संबंधित उसका थाने का पुलिस का उसमें रिकॉर्ड होता है तो उसको कॉल कर देते हैं, तो पुलिस वहां जाके और उसको डिटेन करके लेके आती है। तो इस तरह से ये बंदा, क्या बता दूं मैं, अभी फरवरी में ये न्यूज आई है, लगभग 4 दिन पहले की है, ये बंदा इंडिया आ गया था वापस, लेकिन छुप के था, लोगों को नहीं पता लगा। इस बंदे ने क्या किया, अभी की बात है फरवरी में वापस इंडिया दुबई जाने के लिए बॉम्बे का रास्ता चुना कि भाई बॉम्बे से हम जाएंगे दुबई। तो जैसे ही ये बॉम्बे एयरपोर्ट पे पहुंचा तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसका लुकआउट जारी हुआ था तो इसने डिटेन कर लिया, साइड में बिठा लिया, फिर यहाँ सीकर पुलिस को सूचना कर दी। तो यहाँ की पुलिस ने फिर वहां गई, उसको ट्रांजिस्ट रिमांड पे उधर 2 दिन लिया है बॉम्बे में। जी हाँ, हालांकि पुलिस ने इसको पकड़ लिया है, लेकिन आपको अभी ये सोचने की बात यह है, चलो अभी आपने ये स्टोरी सुन ली, प्रैक्टिकल स्टोरी है कि भी 50 लोगों से 25 लाख रुपए इसने ठग ली, ठीक है जैसे भी है ठग ली,
लेकिन क्या आपको आपको कुछ महसूस हुआ कि गलती क्या है? ठीक है, वो गलत था, ये तो नो डाउट, हम कह सकते हैं कि वो गलत था, लेकिन मैं बता दूं, हमारे जो राजस्थान में है, खास तौर से मेरा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सीकर, वहां पे प्रत्येक बंदे को ये पता है इस बात का, क्योंकि यहाँ पे बहुत, मतलब अगर लगभग दुनिया बाहर रहती है, गल्फ की बात करें, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत वगैरह में सबसे ज्यादा यहाँ के लोग रहते हैं, उनको पता है कि 2,000 दराम बिल्कुल भी नहीं मिलता, दो बंदों को मिल सकता है 2,000 दराम, उनको सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के अंदर लालच आता है, और इसी वजह से 50 लोग ये ठगी का शिकार हो गए कि भाई 50 दराम मिलेंगे। हालांकि जॉब वगैरह के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया कि कौन सी जॉब में इनकी बात हुई थी, टूरिस्ट वीजा, सबको टूरिस्ट वीजा के नाम से इनको पैसे वगैरह लिए गए थे, विजिट वीजा में यहाँ से लेके जाके वहां परमिट में कन्वर्ट करवा देना, लेकिन कहीं ना कहीं लालच तो है लड़कों का, क्योंकि 2,000 दराम इनको पता है कोई माई का लाल नहीं दे सकता पूरे राजस्थान में, क्या पूरे इंडिया में, लेकिन ये बंदा 2,000 दराम का इनको लालच दिया, इस लालच में आके इन्होंने इनको पैसे दिए, वरना तो हमारे सीकर में मैन पावर ऑफिस बहुत है, हर बंदों की जुबान पे है मैन पावर ऑफिस, जो जानते हैं आज 20 20 30 30 सालों से वो ऑफिस लेके बैठे हैं, मैन पावर है, लेकिन उनके पास उनको नहीं जाना, क्योंकि उनके पास कंस्ट्रक्शन का जॉब आता है या फिर इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, या फिर पैसा तो चलो ठीक है 70,000 50,000 60,000 70,000 रुपए ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तनख्वाह इतनी नहीं मिलती, कहीं ना कहीं लालच की वजह से ये लोग फंसे। अब क्या लगता है इनके पैसे आ जाएंगे? कुछ नहीं मिलेगा, एक चौनी भी ये बंदा नहीं देने वाला है, एफआईआर हो गई, अखबार में आ गई, बेइज्जती इसकी हो गई, जो जितनी होनी है वो हो गई, ठीक है, बंदा पैसा वापस कब करता है? जब बदनामी होती है, दबाव में आता है, बेइज्जती होने के डर से तो पैसे वापस करते हैं ना, मुकदमा लग गया, अखबारबाजी हो गई, टीवी में भी न्यूज आ गई, ठीक है, बॉम्बे में पकड़ लिया, इसके ऊपर लुकआउट जारी हो गया, पुलिस वहां से गिरफ्तार करके सीकर लाएगी या ले आई होगी, ठीक है, इसको रिमांड पे लेगी, उसका चालान होगा, जेल जाएगा, ये जमानत करवाएगा, क्या निकल के पैसा दे देगा? एक चवनी भी लोगों को नहीं मिलने वाली है, पासपोर्ट मिल जाए वो बड़ी बात है, बाकी पैसा नहीं देगा ये आदमी, जमानत करवा लेगा 2 महीने 6 महीने, बस क्या होने वाला है, पैसे गए, ये जाने वाले सब 2,000 जिनको पैसे का है, जो मजदूरी चाहिए थी वो सब गरीब, ये तो नहीं कोई लखपति करोड़पति घर की औलाद थी, अगर वो होती तो जाती नहीं, सब लोगों ब्याज पे पैसे उठा के लेके दिए सबके सबने, लेकिन एक चवनी भी इनको वापस नहीं मिलने वाली है, ये एजेंटों की खासियत होती है। हाँ, जब तक पुलिस केस नहीं हो समझौता हो जाता है, पैसे वापस हो जाते हैं, ये सब कुछ कार्रवाई हो गई ना तो फिर पैसे नहीं मिलने वाले, तीन चीजों से बचना आपको जरूरत है, कहीं ना कहीं जो एजेंट है वो तो गलत है नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग, आप लोग भी गलत है जो विदेश जाना चाहते हैं कि इतनी तनख्वाह आपको मिल जाएगी, जबकि सब पता होता है कि इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, फिर भी लालच में पैसे देते हैं ना कि यार हाँ वो सही है वो काम करवा रहा, तो इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता लगे, बस ये जानकारी आप लोगों से शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ, जय हिंद।